क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सुरों के सागर में गोते लगा रहे हैं और इस वक्त स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, और उनके साथ मौजूद हैं उनके सुपुत्र बिजोयदित्य मुखर्जी। तो आइए मिलते हैं इनसे। बुद्धादित्य जी, बिजोयदित्य, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेजेंड्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल में कल आपकी परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से दूसरी परफॉर्मेंस रही आप दोनों की, और पहली दफा आपके सुपुत्र ने आपके साथ सेम स्टेज सेम प्लेटफॉर्म शेयर किया, तो वो अनुभव कैसा था? मुझे तो, मैं लेजेंड्स ऑफ इंडिया में आई एम एक बार पहले भी बजाया हूँ, और लेकिन पहली बार हम लोग दोनों उसी स्टेज पे आए हैं। बहुत ही अच्छा फीलिंग है, और ये जो विजयादित्य बजा रहा है, तो इसमें मैं तो सिर्फ इसका पिता नहीं हूँ, इसका गुरु भी हूँ। तो इसके वादन में जितना अच्छा किया उसने, तो उसकी अच्छाइयाँ कम दिखेगी मुझे, मुझे तो उसकी कमियाँ ही ज़्यादा दिखेंगी। विजयादित्य, आप ये बताएं कि इतने महान सितार वादक आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, तो वो कितने पिता हैं और कितने गुरु हैं? क्या थोड़ी डांट वांट भी लगती है कभी? जी, बहुत पड़ती है जी। अच्छा करते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छी तरह से गाइडिंग होती है ये बात में कि जो गलती हुई क्यों गलती हुई, इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इसलिए कंप्लीट ग्रूमिंग जिसे कहते हैं। सिखाने का क्या तरीका होता है इनका? जी, एकदम गुरुजी की तरह जी, जब पिताजी सिखा रहे हैं तब ही इज द टीचर, पिताजी नहीं है। विजयादित्य, अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पिता जो हैं वे तो मशहूर सितार वादक हैं, आपका फैमिली ट्रेंड है, और शायद इसीलिए आप इस ट्रेंड में आए हैं, मगर अगर आपको चॉइस दी जाती तो क्या आप किसी और प्रोफेशन को चुनते, इंजीनियरिंग या डॉक्टर, जैसे कि आपके पिताजी तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं मेटलर्जिकल इंजीनियर में? नहीं, नो, मैं कभी अपने आप को एक 9 से 5 के नौकरी के डेस्क के पीछे कभी नहीं देखा मेरे अपने आप को। इट्स जस्ट नॉट मी, मतलब मैं अगर कोई बोले करने को तो जरूर कर पाऊंगा, लेकिन दिल नहीं रहेगा वहाँ पे। बुद्धादित्य जी, आपका इमदाद खानी घराना है, तो कुछ इस घराने की खासियतों के बारे में हमें बताएं। मेरी शिक्षा जो हुई मेरे पिताजी से, पंडित बिमलेंदु मुखर्जी साहब से जी, और इमदाद खानी घराने में उनकी तालीम हुई है जी। इमदाद खानी घराने की जो कंसेप्ट मुझे मिला है मेरे गुरु से, अपने पिताजी से, उसमें गायन के प्रति, गायन का जो अंदाज है जी, शास्त्रीय गायन का जो अंदाज है, दिल गाता है, उसका रिफ्लेक्शन हम हाथ से सितार पे लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रिंजेंट उसके मापदंड रखते हैं, और गायन में आप ये तो समझ ही सकते हैं कि भगवान की दी हुई जो इंस्ट्रूमेंट है गला, उसमें कितना कंटिन्यूटी मिलता है, बहुत कंटिन्यूटी है। हमारा सराज ऐसा है जिसमें जो कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ उसे सपोर्ट होती नहीं है जी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक जिस ऐसे सराज को हम बजा रहे हैं जिसका झंकार तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम उसमें से कंटिन्यूटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल बोलना गला बोलना जो हम कहते हैं, तो ये कितना कठिन काम है। बुद्धादित्य जी, आपकी तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज रह चुकी हैं देश में विदेशों में, मेरे ख्याल से लगभग सारी कंट्रीज में आप परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं, मगर हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में मेरे ख्याल से आप पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये संभव कैसे जी? ऐसा है, मैं पहला भारतीय कलाकार नहीं हूँ, मैं पहला कलाकार हूँ, वो कलाकार हैपन टू बी एन इंडियन। विजय, ये बताएं कि जब इतने बड़े पिता का नाम साथ जुड़ा हो तो क्या मुश्किल होता है या आसान होता है अपनी अलग पहचान बना पाना? जी, आसान भी है मुश्किल भी है। जब आप स्टेज पे बैठे हैं, आपके पिताजी नहीं बजा रहे, आप बजा रहे हैं, आप जिनके साथ भी जुड़े हों, स्टेज पे आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से अपना म्यूजिक एक्सप्रेस कर पाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाएगी, अगर आप नहीं कर पाते हैं रिजल्ट इज। विजयादित्य, आप जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, पूछना चाहेंगे कि आज की जो पीढ़ी है बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न म्यूजिक से, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए सितार के साथ और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, कभी लगा? नहीं, फ्यूजन के तौर पे नहीं, एकदम उस तरफ मैं एकदम नहीं जाता हूँ। एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक इतना रिच है, इतना डीप है, इट्स लाइक एन ओशन, इसमें इतने तौर तरीके से म्यूजिक को एक्सप्रेस किया जा सकता है,
म्यूजिक के साथ एक कॉन्वर्सेशन की तरह हो जाता है कि वेस्टर्न म्यूजिक कांट इवन कम क्लोज टू इट, इसलिए आई एम नॉट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूजिक. हाँ, कभी कभार कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऊपर. बुधादित्य जी, थोड़ा पीछे चलते हैं, 1976 की बात करते हैं. एक बहुत ही महान फिल्म निर्देशक ने, सत्यजीत रे साहब ने आपकी तारीफ की थी. अब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े कलाकार को वो आए थे, यही मेरे लिए, मेरा वादन सुनने के लिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सुनने के बाद उन्होंने बहुत ही दिल से कुछ अच्छी बातें कही थी, वो मेरे लिए अविस्मरणीय है. और आज भी मुझे ये सोच के बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ऐसे कलाकार को वो सुनने के लिए राजी हुए थे जिसे कोई जानता ही नहीं था, और जानने के बाद, सुनने के बाद जब उनको पसंद लगा तो कोई हिचकिचाहट नहीं थी तारीफ करने की. क्या बात, तो इट्स शोज द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. बुधादित्य जी, जैसे कि हम कह रहे थे आपकी ढेरों परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं देश में विदेशों में, तो ये बताइए कि कभी कोई फर्क महसूस किया, कोई अंतर महसूस करते हैं वहां की परफॉर्मेंसेस और भारत की परफॉर्मेंसेस में? कमी को देखना उस तरह से नहीं देखूंगा. मैं ये कहूंगा कि हमारे जो सुनने के, श्रोतागण के सुनने का अंदाज है, और विदेश में जिस तरह से लोग सुनते हैं, इसमें एक डिफरेंस है. डिफरेंस यहाँ की, जैसे अब श्रोता संगीत के साथ बहते चलते हैं, कुछ अच्छा बज गया तो तुरंत उनके पास से वाह वाह की तारीफ मिलती है वो कलाकार को, क्योंकि वो क्रिएटिव म्यूजिक कर रहा है. ये अपना जो म्यूजिक है ये कोई बंधा हुआ म्यूजिक नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है. विदेश में उनकी एटिकेट डिफरेंट होती है, अलग होती है. वो बिल्कुल शांति के साथ अंत तक सुनते हैं, और कार्यक्रम उनको कितना अच्छा लगा वो उनकी क्लैपिंग के ड्यूरेशन के ऊपर वो परिलक्षित होता है. तो हम जब बजा रहे हैं, जिस वक्त बजा रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं जो हम यहाँ करते हैं, क्योंकि अगर हम सितार हाथ में लिए तो हम अपने संगीत के ही सेवा में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं. कहाँ बजा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम संगीत, अपने संगीत में परिवर्तन लाएंगे, तो फिर आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू माय म्यूजिक. विजय, आगाज आपके पिताजी ने किया था इस बैठक में सितार बजा के, हम चाहेंगे आखिर में आप बजाएं. राग यमन सुनाऊंगा. जरूर. विजयादित्य, हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप अपने पिता से भी ज्यादा नाम रोशन करें, और आप दोनों हमारी इस बैठक में आए, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया.